पूरे को अपनी जद में ले सकता है। आसमान के रास्ते भारत में आया यूरेनियम का आतंक और इसके लिए अफगानिस्तान में अमेरिकी कारगुजारी शक के घेरे में है। आरोप है कि अलकायदा के आतंकियों के बंकर तोड़ने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन ने अफगानिस्तान में डिप्लीटेड यूरेनियम का जमकर इस्तेमाल किया है। अब उसी का रेडिएशन पूरे दक्षिण एशिया को अपनी जद में ले रहा है। कुछ सालों पहले सीनेटर जॉन किल ने अमेरिकी सरकार से पूछा कि क्या इराक और अफगानिस्तान हमले में यूरेनियम का इस्तेमाल हुआ। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय जवाब में साफ मुकर गया। इस चिट्ठी को गौर से देखिए। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने लिखा कि किसी भी गाइडेड बम या क्रूज मिसाइल में किसी तरह का यूरेनियम इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो पंजाब इलाके में कहां से आया यूरेनियम? क्यों हुए ये बच्चे मंदबुद्धि? क्या फरीदकोट में बच्चों पर रिसर्च करने वाले झूठ कह रहे हैं? इसका भी जवाब है। डिप्लीटेड यूरेनियम पर रिसर्च कर रहे एक स्वतंत्र परमाणु विशेषज्ञ डाई विलियम्स के मुताबिक अमेरिका और ब्रिटेन अपने हथियारों के ऊपर डिप्लीटेड यूरेनियम का कवच के रूप में भरपूर इस्तेमाल करते हैं। डिप्लीटेड यूरेनियम इसलिए पसंद किया जाता है क्योंकि इससे बम की मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाती है, साथ ही बहुत सस्ता भी है। आपने सुना होगा आम के आम और गुठलियों के दाम। डीयू का इस्तेमाल कुछ ऐसा ही है। परमाणु कचरा भी खत्म हो रहा है, अमेरिका की इस कचरे को संभालने की लागत कम हो रही है और इससे बम और घातक हथियार भी बन रहे हैं। डाई विलियम्स के मुताबिक जेबीयू 37 बंकर बस्टर, जेबीयू 24 स्मार्ट बम और एजीएम 145 सी क्रूज मिसाइल बंकर ध्वस्त करने में काफी कारगर है। इनका अगला हिस्सा बेहद मजबूत होना जरूरी है ताकि वो बंकर की छत को तोड़कर अंदर घुस जाए। इसके लिए ठोस मेटल के तौर पर डीयू यानी डिप्लीटेड यूरेनियम पहली पसंद बन चुका है। तो क्या पंजाब के फरीदकोट के बच्चे इसी के शिकार हुए? विलियम्स के मुताबिक अमेरिकी रक्षा मंत्रालय से जुड़े जेन्स डिफेंस की वेबसाइट पर फरवरी 2001 तक दर्ज था कि डिप्लीटेड यूरेनियम घातक हमले के लिए बेहतर उपाय है, लेकिन बाद में जब हल्ला मचा तो इसे वेबसाइट से हटा दिया गया। ये सारी बातें कुछ इशारा कर रही हैं, अमेरिका पर लगे आरोपों को हवा दे रही हैं, परमाणु रेडिएशन फैलाने का अंकल सैम पर गंभीर आरोप लगा रही हैं, भारत पर खतरे को और बड़ा कर रही हैं। अमित चौधरी, चंडीगढ़, IBN 7। वक्त एक और ब्रेक का है, लेकिन आइए आपको दिखाते क्या खास आज रात 10:30 बजे। रिटायरमेंट वक्त है खूबसूरत पलों को जीने का। भारतीय एक्सल लाइफ पेश करते हैं ड्रीम लाइफ पेंशन, रहिए तैयार अपने रिटायरमेंट के लिए। Celebrations are on. Chevrolet Spark now has 30 lakh happy customers globally. Rush to your nearest Chevrolet dealer and enjoy great offers on all our cars. Join the Chevrolet family today. इंजीनियर साहब, भूकंप सुरक्षित मकान बनाने के लिए क्या खिड़कियों और दरवाजों का भी विशेष ध्यान रखा जाता है? जी हाँ, अगर आपका मकान भूकंप जोन 4 या 5 में है तो एक मंजिला इमारत की भारवाही यानी लोड बेयरिंग दीवारों में खिड़की और दरवाजों की लंबाई दीवार की लंबाई की तुलना में 50% तक ही रखें। 2 मंजिला इमारत की दोनों मंजिलों में ये 42% तक ही रखें और 3 मंजिलों में ये घटकर 33% रह जाएगी। घर सुरक्षित तो आप सुरक्षित। फास्ट शेव चाहिए? जिलेट वेक्टर प्लस स्पीड ट्राई करो। इसके ट्विन ब्लेड चेहरे के आकार अनुसार ऑटोमेटिक एडजस्ट करें और आप पाए शानदार शेव फुल स्पीड में। वेक्टर प्लस स्पीड 5 रुपए से भी कम मूल्य पर प्रति सप्ताह जिलेट वेक्टर प्लस स्पीड से तेज शेव पाइए। इस रफ्तार भरी जिंदगी में जहां वक्त का हमेशा अभाव है, आ गया है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स का ई पेमेंट, आपको लंबी कतारों और परेशानी से मुक्त करने। अगर आपने पिछले वर्ष 50 लाख या ज्यादा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी चुकाई है या पिछले या इस वित्तीय वर्ष में 50 लाख से ज्यादा सर्विस टैक्स चुकाया है तो ई पेमेंट आपके लिए अनिवार्य है। ई पेमेंट सुविधा किसी भी अभिहित बैंक द्वारा सभी करदाताओं के लिए उपलब्ध है।
तो बस लॉग ऑन कीजिए और हो जाइए मुक्त। क्विज पार्सा में है 400 फनल्स जो ज्यादा देर तक सोखे ताकि आप पैक बदले अपनी मर्जी से, मजबूरी से नहीं। क्विज पर हवा में पीरियड शौर्य और सुहानी शनिवार और रविवार रात 8 बजे स्टार प्लस पर। ये लो आपको पेट्रोल पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 20% मोटी लगी तो मेरे बाकी के पैसे डूटे डाले। वो तो आपके हाथ में ना। 45 की स्पीड पर गाड़ी चलाइए, रेड लाइट पे इंजन ऑफ कर दीजिए, 20% पेट्रोल तो जरूर बचेगा। बात तो वही है ना सर, चाहिए ना। सेफ यही सेव मनी। मैं आज तक कभी अस्पताल नहीं गया। पर अस्पताल जाना पड़ा एक मच्छर की वजह से। इट्स मलेरिया। इट्स ओके, घर पे एक काला हिट ला के रखने का। एक मच्छर भी डेंजरस है, हिट से मच्छर मारोगे एक भी नहीं बचेगा। उफ, अब क्या होगा? कितनी कराई थे, पानी फिर गया, मैच कैंसिल। कुमार चले 418। कितनी दूर है? 5 hour drive। और बोलो, इतनी जल्दी होटल मिलेगा क्या? ग्रैंडपा का होटल है क्या? मिल गया होटल 407। प्रस्तुत करता बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस, SMS सुपर 56070। प्रायोजक है एमिटी यूनिवर्सिटी, इंडियाज लीडिंग प्राइवेट यूनिवर्सिटी। जीना छोड़िए, पेश है नया गुड नाइट एडवांस लो स्मोक कॉइल, जिसके एक्टिव फिल्टर्स ने कम धुआं और ज्यादा शक्ति। अब न मच्छर न धुआं न। बैंगलोर रॉयल चैलेंजर्स की कप्तानी से द्रविड़ का पत्ता कटा, केविन पीटरसन होंगे विजय माल्या की टीम के नए कप्तान। हैमिल्टन में रचा धोनी के सिकंदरों ने इतिहास, न्यूजीलैंड में 33 साल बाद जीत दर्ज कर बनाई, सीरीज में 1-0 की बढ़त, तेंदुलकर बने मैन ऑफ द मैच। लौट आया टीम इंडिया का टर्मिनेटर फॉर्म में, हैमिल्टन टेस्ट में झटके 6 विकेट। नमस्कार, मैं हूं मनीष पंत। खेल की दुनिया की सभी रोमांचक खबरों के साथ हम हाजिर हैं अपने खास कार्यक्रम फ्री हिट में, और 3 सेगमेंट के इस कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे आज की मुख्य खबर के 3 पहलू, पावर प्ले, सुपर ओवर और डगआउट। सबसे पहले देखते हैं पावर प्ले। तो पावर प्ले की शुरुआत एक बड़ी खबर से, राहुल द्रविड़ को बैंगलोर रॉयल चैलेंजर्स की कप्तानी से हटा दिया गया है। उनकी जगह अब कप्तानी करेंगे इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन। टूर्नामेंट के पहले फेज में पीटरसन कप्तानी करेंगे और दूसरे फेज में क्योंकि उन्हें वेस्टइंडीज में जाकर सीरीज भी देखनी है, उसके बाद उनकी जगह लेंगे जॉक कैलिस जो कि दक्षिण